Hello students, and welcome back to the another part of antonyms. Okay, so in this video today we will going to do some exercise in which we have to write the opposite words of these underlined words. Okay, so before we get start, let's take a quick revision of antonyms. In our previous video, I had explained what is the meaning of antonyms. So antonyms kise bolte hain? In short, antonyms use bolte hain jis so opposite words ko kya hai ki antonyms bolte hain. Theek hai, antonyms. antonyms antonyms. ठीक है, सो एंटोनिम्स मतलब जैसे मैंने बताया ऑपोजिट वर्ड. इसमें क्या होता है, कोई अगर एक वर्ड दिया है तो उसके ऑपोजिट, उसके उल्टे वर्ड को जो होगा उसको बोलेंगे एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड. ठीक है, जैसे अगर ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, उसका एंटोनिम्स होगा अगली. ओके, इसी तरह अगर टॉल है तो क्या होगा उसका एंटोनिम, शॉर्ट. डे है तो क्या होगा, नाइट. ब्लैक है तो क्या होगा, वाइट. ओके, सो इन सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा एंटोनिम्स किसे बोलते हैं. नाउ सी, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो जैसे कि हमें आज करने हैं. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं. इंस्ट्रक्शंस देखिए क्या है, रीड ईच सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट एंड एंटोनिम्स फ्रॉम द बॉक्स टू द अंडरलाइंड वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं. ठीक है, जिसको कि हमें क्या करना है, फिल करना है अकॉर्डिंगली. जो सेंटेंसेस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लव कोल्ड ड्रिंक्स. तो देखिए यहाँ पे कोल्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, विच इज़ मीन कि हमें इसका ऑपोजिट वर्ड या एंटोनिम वर्ड लिखना है. ठीक है, तो कोल्ड का क्या होगा ऑपोजिट, हॉट. सो मैंने यहाँ पे एक अलग से लाइन खींच के करवाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कट कराऊँगी तो ये बहुत मैसी दिखेगा, इट लुक्स वेरी अनटाइडी. सो दैट यहाँ पे अलग से एक लाइन यू हैव टू स्ट्रेच एंड देन यू हैव टू राइट ओवर हियर. ओके, विथ पेंसिल, विथ पेन ओनली. ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ किया है, बट इन योर फेयर कॉपी यू ऑल हैव टू राइट विथ ब्लैक पेन. ओके, ये वाले जो वर्ड्स हैं इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा. ओके, सो कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, हॉट. सेकेंड क्या है, मीना इज़ सैड अबाउट द पार्टी. तो सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी. तो उसका क्या होगा, उसका होगा हैप्पी. ओके, ऑपोजिट सैड का ऑपोजिट हैप्पी. शी हैज़ अ बिग डॉल. बिग के नीचे अंडरलाइन है, तो बिग का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल. देन एलेक्स वन द कॉम्पिटिशन. एलेक्स जो है वो कॉम्पिटिशन जो है वो वन किया था. तो वन मतलब क्या होता है, जीतना. और वन का ऑपोजिट क्या होगा, लॉस्ट. LOST, लॉस्ट. ओके, फिफ्थ देखिए, शी हैज़ अ न्यू कार. तो न्यू के नीचे अंडरलाइन किया है. ओके, तो न्यू का ऑपोजिट होगा ओल्ड. ओके, इसी तरह सिक्स देखिए, माय प्लांट्स आर वेरी टॉल ऑलरेडी. ठीक है, तो टॉल के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, आपको टॉल के टॉल का ऑपोजिट लिखना है, विच इज शॉर्ट. ओके, फिर पैटी इज वेरी वेट बिकॉज ऑफ द रेन. बारिश के कारण पैटी जो है वो गीली है. तो पैटी सॉरी वेट जो है, वेट मतलब गीला. वेट के ऑपोजिट क्या होगा, ड्राई. DRY, ड्राई. ओके, नेक्स्ट एथ क्या है,
आई ऑलवेज टर्न ऑफ द लाइट्स इन द बाथरूम। ठीक है, टर्न ऑफ मतलब बंद रखना, तो ऑफ के नीचे अंडरलाइन है तो ऑफ का अपोजिट होगा ऑन, राइट। तो आई ऑलवेज, अब ये क्या बन गया, ये बन गया आई ऑलवेज टर्न ऑन द लाइट्स इन द बाथरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी सेंटेंस नंबर 9 देखिए। ही स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट, तो नाइट के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पे नाइट का ऑपोजिट डे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाइट के जगह लेट होता तो फिर यहाँ पे क्या होता स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता अर्ली। ही स्लेप्ट वेरी अर्ली, तो वेरी नहीं होता, अर्ली हो जाता। ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। ठीक है, लेट है तो अर्ली, लेट का ऑपोजिट भी जो होगा वो अर्ली होगा। ठीक है, 10 द पेपर बोट फ्लोट्स इन द सी वाटर। ठीक है, जो पेपर बोट है वो क्या है, समुद्र के पानी में तैर रहा है। ठीक है, अब इसको फ्लोट है, फ्लोट्स, ठीक है, तो फ्लोट्स का ऑपोजिट क्या होगा, सिंक। होप आपको समझ में आया।